नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली की प्रगति मैदान में गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक चल रही है। अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम आदित्यनाथ योगी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम हेमंत बिस्वा, सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद। हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू, मनोज सिन्हा भी इस दौरान इस बैठक में हैं। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं। शाम 6 बजे नीति आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो नीति आयोग की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक में कौन कौन मौजूद है, क्योंकि सभी मुख्यमंत्री जो है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वो इसमें शामिल होते हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आज शाम 5 बजे संबोधन हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है और ये आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, बेहद खास ये बैठक। लेकिन इसके अलावा ये भी जानकारी देते हैं कि 2 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। अपने निजी विरोध के जरिए उन्होंने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, पहले भी चर्चा हुई थी, आपने विस्तार से जानकारी दी थी कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, विकास से जुड़ी बैठक है, लेकिन 2 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका पूरे तरीके से बहिष्कार कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते आए हैं, जब कोई भी राज्य आगे बढ़ता है तब देश आगे बढ़ता है और ये इसी से जुड़ी बैठक है। ऐसे में वो राज्य जिन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया, खासकर उन मुख्यमंत्रियों ने, अब आगे किस तरीके की तस्वीर बनती नजर आएगी इस बैठक के बाद? देखिए, एक तो जनता सब कुछ समझ रही है, चुनाव में देखते हैं कि जनता को जिसको वोट जब देना होता है विधानसभा में, जब लोकसभा में, वो अपने हिसाब से देती है, अपने मुद्दों पर देने लगी है। एक समय ये भी था कि जनता को जिस दिशा में मोड़ दिया उस दिशा में वो चल देती है। सवाल ये उठता है, 2 बड़े मुद्दे हैं। नीति आयोग की बैठक किसी भी एक व्यक्ति विशेष, किसी भी एक व्यक्ति या उसके पद या किसी भी इंडिविजुअल स्टेट के लिए नहीं होती। नीति आयोग की बैठक में आप उन नीतियों पर, डेवलपमेंट की, विकास की नीतियों पर चर्चा करते हैं। जब हर पार्टी, हर नेता इस बात का दावा करता है कि वो विकास के एजेंडे पर, वो योजनाओं के एजेंडे पर अपनी जनता के लिए काम कर रहा है, ऐसे में जब विकास होता है तो समग्र विकास होता है। और पूनम, अगर विकास होगा इस देश का तो उसमें आपका भी विकास होगा, मेरा भी विकास होगा, आपके आसपास जितने लोग हैं उनका सामूहिक विकास होगा। भले ही नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो नेता होता है वो देश का प्रधानमंत्री मोदी होता है। अब आप किसी एक सोच का, आप 370 का बहिष्कार कर सकते हो, आप ऐसी बहुत सारे जो डिसीजन लिए गए हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन है, ऐसे तमाम चीजों का आप नाराजगी, आप उस पर तमाम तरीके के वॉकआउट और जैसे आप संसद भवन में जाकर विरोध कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है कि समग्र विकास की, डेवलपमेंट की नीति की, क्योंकि देखिए ये तो इस लोकतंत्र में है ही कि राज्यों के विकास से ही पूरे देश का विकास होता है, राज्य आगे बढ़ेंगे, इसलिए कहते हैं कि स्टेट्स मेक द नेशन। ऐसी स्थिति में नीति आयोग की बैठक जिसमें सभी राज्यों से उनका फीडबैक लिया जाता है, जब किसी योजना की को बनाया जाता है, योजना को जन्म दिया जाता है चर्चाओं के बीच, तो उसमें ये तो है नहीं कि वो किसी 4 प्रदेशों में लागू होगा, वो होगा सबके डिसीजन से, सबके फीडबैक से, और फिर वो सभी राज्यों में लागू होगा और सभी राज्य की जनता को उसका लाभ मिलने वाला है। तो कई बार विपक्ष को पॉलिटिक्स छोड़कर राजनीति के बारे में चर्चा करनी, पॉलिटिक्स और राजनीति छोड़कर उनको विकास और जो पूरे देश की जनता के हित के बारे में बात करनी चाहिए। आप भले ही प्रधानमंत्री मोदी का दूसरे मुद्दों पर, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे तो तमाम ऐसे मुद्दों पर कि संसद भवन में खुलने नहीं दिया जाता, आप जरूर विरोध करें, लेकिन आप संसद के उद्घाटन, एक जो आज भारत वाली संसद है, जो भारत में बनी संसद है, भारतवासियों या भारत के लोगों ने बनाई संसद है, उसका बहिष्कार करना एक राष्ट्र वाली मुद्दा है जहां पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसका मुद्दा, उस तमाम चीजों का बहिष्कार करने से साफ साफ ये संकेत जाते हैं कि आप नीतियों का नहीं, विकास का नहीं, एजेंडे का नहीं, आप केवल नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके पास क्योंकि कोई और मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप मुद्दा बना रहे हैं विरोध करने के। बिल्कुल अदिति, आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया, इसे मैं समझ रही हूँ, आप समझ रहे हैं और सुनने वाली जनता भी समझ रही है, लेकिन किसकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है ये भी बहुत बेहतर तरीके से जानता है, लेकिन जो इसका विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है इस बैठक का, वो भी इसे बखूबी जानता होगा, उसके बावजूद ये कदम क्यों?
देखिए, तो सबसे बड़ी बात है डायलॉग के बिना कोई भी चीज नहीं हो सकती। हमारा डायलॉग उस हद तक चलना चाहिए क्योंकि डायलॉग से ही तमाम चीजें बनती बिगड़ती हैं। ऐसे में अब अगर नीति आयोग में आप जाते, आप विपक्ष एकजुट हैं, अगर आपको ऐसा लगता कि कोई चीज थोपी जा रही है, अगर आपको ऐसा लगता कि ये विकास का एजेंडा नहीं है, आज नीति आयोग की बैठक में चर्चा हुआ है वो सही नहीं है, तो आप पूरा विपक्ष आके एक जॉइंट स्टेटमेंट देता कि आज की चर्चा ऐसे हुई, हम चाहते हैं चीज ऐसी हो। यानी कि जब तक कि आप, सही तरीका तो ये है कि आज आप उद्घाटन में जाएं संसद भवन के, और फिर उद्घाटन के बाद जब संसद चालू हो तो वहां जाकर विरोध दर्ज करें। ठीक उसी तरह नीति आयोग की बैठक में जाएं, आप वहां पर तमाम मुद्दे चर्चा में शामिल हों, फिर अगर आपको कोई चीज सही नहीं लगती तो फिर आप उसका विरोध करें, आप उस पर बहस करें, आप उस पर बहस की मांग करें, तब तक करें जब तक नहीं होता। तब जनता ये मानती कि विपक्ष की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है बार बार, और फिर सरकार उसे बोलने नहीं दे रही, रोक रही है। ऐसे में ये दो ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि कई बार जब बड़ा मैंडेट होता है तो सरकार अपने हिसाब से चलती है। 2014 का मैंडेट, 2019 का मैंडेट इतना बड़ा है कि ना तो आपको जो पार्टियां आपके सहयोग हैं, जो एनडीए का दल है, आप उनकी नहीं सुनते। ऐसा है पॉलिटिक्स में, यही है कि जिसके पास मैंडेट है, जिसके पास बड़ी संख्या है, फिर आप दूसरी पार्टियों की नहीं सुनते, ये स्थिति है। लेकिन विपक्ष अपना काम नहीं छोड़ सकता। विपक्ष का काम है कि सरकार को बार बार आईना दिखाए, सरकार की गलतियों को उजागर करे, सरकार को सही रास्ते पे लेकर आए। तो हम अपना अपना काम नहीं छोड़ सकते। ठीक उसी तरह विपक्ष को, जब तक कि आप या तो जनता के सामने ये बात प्रूव कर दें कि सरकार जो भी फैसले ले रही है वो गलत है, तब तक आप विरोध दर्ज कराते रहें। आप बहिष्कार करके, आप बैठकों का हिस्सा ना होके कहीं ना कहीं जनता का और जनता के आने वाले भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, तमाम जानकारी देने के लिए।